सिर्फ दो ही आदमी पार्टी चलाते हैं, एक बॉम्बे कॉलोनी में, एक इधर चांद नगर में। तो उसमें से एक आदमी खुद ही अर्जी देता है, आरटीआई देता है, खुद ही उसका जवाब भी लेता है और खुद ही फिर न्यूज में आके खुद ही बाइट भी देता है। एमआईएम हम लोग थोड़ी किसी का नाम लेने से डरते हैं। तो ऐसी पार्टी तो हमारी समझ में कभी आई नहीं है। उनका एक काम बताओ कि कभी छोटे बच्चों में कॉम्पिटिशन रखा? अब ये बच्चे को मैं एक पेपर बना के दे दूं, बोलूं जा भाई तू थाना महानगर पालिका में सबमिट करके आ जा, अब वो आने के बाद तुम्हें भाई मैंने डाल दिया हूँ, तूने भ्रष्टाचार निकाला, तूने सब निकाला, तूने सब कुछ किया, तूने जेल में कितने लोगों को डाला, भ्रष्टाचार को उजागर चिल्ला रहा है, साबित कभी किया। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुमरा के एमएम वली पर और आपको बता दें एमएम वली रोड से जो अमीनाबाद चांद नगर इलाके में जाने वाला रास्ता है, इस रास्ते पर आज पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर यहाँ पर रास्ते के किनारे पेड़ लगाने का काम किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि ये जो पेड़ लगाया गया है ये यूनुस शेख और उनकी बेटी सहर शेख की तरफ से लगाने का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। साथ ही आपको बता दें कि अमीनाबाद से जो एमएमवली आने का रास्ता है उस रास्ते का भी आधा अधूरा काम थोड़ा बाकी है और इसको लेकर यहाँ की जो विपक्ष पार्टी है वो तमाम उस पर आरोप लगा रही है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है और अमीनाबाद चांद नगर परिसर में जो पानी आता है उस पानी को लेकर भी विपक्षी पार्टी ने जो है सवाल पैदा किए थे। बहरहाल जो है यहाँ पर यूनुस शेख आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जो हमने उनसे इस बारे में भी जानने की कोशिश की कि क्या वाकई में इस रास्ते के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, तो उनका विपक्षी पार्टियों पर साफ तौर पर हमला रहा कि सिर्फ विपक्षी पार्टी कहती है कुछ करती नहीं है, इस तरह का उन्होंने जवाब दिया। और पर्यावरण के मौके पर भी क्या कुछ उन्होंने बताया वो भी हम आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, पर्यावरण दिवस, इस दिन में हम तमाम हिंदुस्तानी दुनिया के लोग जो है ये डे इसलिए मनाया जा रहा है कि ये अपने इलाकों में जिनकी जहाँ तक पहुँच है अपने अपने इलाकों में पौधे लगाए, दरख्त लगाए, झाड़ लगाए, जिससे इलाके का ऑक्सीजन का स्तर बराबर रहता है, आने वाली नस्लों को वो छांव देगा, खुशबू वाले फूल देगा, एटमॉस्फेयर अच्छा करेगा, खूबसूरती होगी। और मेरा इसमें लगाने का मकसद ये है कि आज मैंने अगर 200 झाड़ लगाया हूँ तो मेरी तरह एनसीपी के जितने भी कार्यकर्ता है अगर वो 100 लोग आप पकड़ के चलो, उन्होंने अगर 100-100 या 200-200 भी झाड़ लगाए तो एक दिन में मुमरा में 20,000 झाड़ लग जाते हैं, जिससे आप सोचो कि आगे चल के मुमरा को ग्रीन सिटी बोलने से कोई नहीं रोक सकेगा इंशाल्लाह। यूनुस भाई, ये अमीनाबाद का जो रास्ता है इसको लेकर यहाँ के विपक्षी पार्टी जो है वो काफ़ी आक्रामक है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, साथ में इस इलाके में पानी की समस्या को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाया है, तो इस पर क्या कहते हैं? देखो, कोई भी आरोप लगाने से पहले अभ्यास, मराठी में बोलते अभ्यास और उर्दू में बोलते सबक और इंग्लिश में बोलते कि नॉलेज, तो नॉलेज की उनमें कमी है। सिर्फ दो ही आदमी पार्टी चलाते हैं ये दुनिया को मालूम है, और हमारे इधर का जो है वो एमआईएम, हम लोग थोड़ी किसी का नाम लेने से डरते हैं, एमआईएम चलाते हैं और दो ही आदमी चलाते हैं, उसमें से एक आदमी खुद ही अर्जी देता है, आरटीआई देता है, खुद ही उसका जवाब भी लेता है और खुद ही फिर न्यूज़ में आके खुद ही बाइट भी देता है। तो ऐसी पार्टी तो हमारी समझ में कभी आई नहीं है। रहा सवाल ये रोड का, तो वो भ्रष्टाचार बोल रहे इतने साल से हो गया, उनको ये नहीं पता कि 2 साल कोविड में गया। आज महानगर पालिका हो या बीएमसी हो, सारे कॉन्ट्रैक्टर रो रहे हैं, टीएमसी हो, बीएमसी हो, एनएमसी हो, एनएमएमसी हो, जो भी हो, क्योंकि 2 साल का जो उनका बजट था वो पूरा चरमरा गया, कोरोना में यूज़ हो गया, तो 2 साल से मैक्सिमम काम बंद थे जिसकी वजह से ये काम लेट हुआ है। वो मेन मुद्दे को छोड़ के आरोप लगाने के पीछे पड़ते। मेरे को बताओ एक चीज़, आज तक उनका एक काम बताओ कि कभी छोटे बच्चों में कॉम्पिटिशन रखा? पैसे खर्चे होंगे, वो तो जेब से निकलेंगे नहीं उनसे। कभी उन्होंने ऐसा ड्राइव चलाया? आज कहाँ है? आज पर्यावरण दिवस है ना, उनको वो दुनिया में नहीं रहते क्या? दुनिया में ही रहते ना, वो एक बॉम्बे कॉलोनी में, एक इधर चांद नगर में है, तो ये दोनों एरिया भी तो दुनिया के अंदर ही है। और जब पॉलिटिकली आदमी एक्टिव होता है तो उसको सारे प्रोग्राम करने चाहिए। आज अगर ये एक पॉलिटिकल आदमी नहीं करेगा तो क्या एक आम आदमी निकल के करेगा? अवेयर कौन करता है? हमारे जैसे लोग ही करते हैं ना, ऐसे मौके पर सोते हैं। राज ठाकरे ने जिस दिन आवाज़ दिया, मैं उसका अध्यक्ष ने कि मैं आके यहाँ पे चालीसा करूँगा, उस दिन एमआईएम कहाँ चले गई थी?
हमारे लोग थे, मैं खुद था फजर की नमाज में कौसा जामा मस्जिद के अंदर, कि हमको ये डर था कि कभी सुबह सुबह आके वो लोग कुछ नहीं कर दे। तो हम हमारे घर से उठ के आए, तुम कहाँ थे उस दिन? उस दिन तो नहीं आए तुम, तुमको सिर और पेपर हर चीज़, बोले हमने ये रिसीव्ड माल लाया है। भ्रष्टाचार कितने लोगों को जेल भेजा आज तक, एक आदमी का नाम बताओ कि उन्होंने जेल भेजा है। सिर्फ चिल्लाते वोटिंग की राजनीति, जैसा इनके अध्यक्ष ने यूपी के अंदर जो काम बजा के आया है बीजेपी का, सबको सुला दिए और बीजेपी वहाँ पे आ गई। यहाँ पर जो है MIM के सैफ पठान और ये लोग यहाँ पर आए थे, बाकायदा वीडियो भी बनाए और फुकट का काम था ना, पैसे खर्चे करने नहीं थे इनको, फुकट के काम में आज भी बुला लो। काफी पहले निकला था लेकिन हाँ। आप लोगों ने काम नहीं शुरू किया, बारिश का महीना आने वाला है, लोगों को परेशानी हो रही है, तो अभी देखो आप लोगों को एक काम पूरा करके देना चाहिए। बिल्कुल अच्छा है, वो तो आवाज उठाएंगे उठाएंगे उठाएंगे। तो हर काम का ना स्टेप बाय स्टेप होता है ना, अभी पहला वो रोड बनता कि ये रोड बनता मेरे को बताओ, वहाँ से लोग आते ना ऐसा कब्रस्तान वहाँ है, वहाँ से आते तो वहाँ तक बना, अभी ये बन रहा है देखो खड़ी हो गया है, 3 दिन के अंदर ये फाइनल हो जाएगा। डांबर नहीं डालेंगे हम लोग इसके ऊपर, क्योंकि इसको पहली बारिश का पानी खाना है, अगर डांबर डाल दिया तो ये रोड नीचे बैठेगा, डांबर क्रैक हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इसके ऊपर वो बारीक भूसा और एक लिक्विड आता है, वो लिक्विड डाल के इसको बना देंगे, फिर ये बारिश वो पूरा पानी खा के रोड अच्छा मजबूत बैठ जाएगा, बारिश के तुरंत बाद इसको डामर डाल देंगे। उन्होंने जो RTI से जानकारी लेकर आई, कहा इसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार है, तो इस पर आपका क्या कहना है? जेल भेज दो, भ्रष्टाचार है ना, ताकत है जेल भेज दो। आज तक इतने भ्रष्टाचार किए, किसको भेजा जेल, क्या क्या बात, लास्ट इनका स्टेप है यहाँ तक आया। एक अर्जी देखो भाई, अब ये बच्चे को मैं एक पेपर बना के दे दूँ और बोलूँ जा भाई तू थाना महानगर पालिका में सबमिट करके आ जा, 150 रुपये में जाएगा, रिक्शे में डाल के आ जाएगा। अब वो आने के बाद तुम्हें भाई मैंने डाल दिया हूँ, बस इनका ये काम है, आगे का क्या? तूने भ्रष्टाचार निकाला, तूने सब निकाला, तूने सब कुछ किया, तूने जेल में कितने लोगों को डाला भ्रष्टाचार को उजागर, चिल्ला रहे, साबित कभी किया, साबित कर। खैर आपके आप आने वाले चुनाव में खड़ी होने वाली है, खासतौर पर विपक्ष जो है ऐसे में सबसे ज़्यादा आपके निशाने पर है, आपको निशाना बना रहा है, आपके एरिए में आपके यहाँ जो अमीनाबाद का रोड है पानी को लेकर इसमें तमाम आरोप लगाया जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे ऐसे विपक्ष पार्टी पर? देखिए सबसे पहले तो काम बोलता है, ठीक है, नाम नहीं बोलता है, काम बोलता है। आप बस बातें करोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, लोग देखते हैं कौन काम करता है कौन नहीं करता है, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। उनका काम ही यही है कि लोगों पे उंगली उठाए, अभी पापा ने बोला ना कि वो उंगली उठाने का काम करते, कुछ बेनिफिशियल काम तो किया नहीं आज तक सोसाइटी के लिए, अदर देन किसी पे फिंगर पॉइंट करने के अलावा क्या बेनिफिशियल काम किया? किसी को कुछ फ़ायदा हुआ उनके काम से? सबको तकलीफ ही हुई, जो पेपर वर्क भी होता है, जो भी उनका होता है, वो पेपर वर्क से भी लोगों को तकलीफ ही होती है, डिस्क्वालिफिकेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उनका काम किसी को फ़ायदा नहीं दे रहा है। आप जब कोई काम करते हो तो आप मेक श्योर करते हो कि अपनी जात से किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, सामने वाले को फ़ायदा होना ज़रूरी है, और अल्लाह भी हमको यही सिखाता है कि किसी को नुकसान तकलीफ मत दो, लोगों का बेनिफिट करो और उसी में बिलीव करो। तो उनका कुछ मतलब नहीं, आरोप लगा रहे लगाने दो, हम अल्लाह में अकीदा रखने वाले लोग हैं, जो भी फैसला होगा एक्सेप्ट करेंगे खुशी खुशी।